रुख करते हैं प्रदेश की ओर। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के विधानसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजन किया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ब्लॉक स्तर पर नई कार्यकारिणी के गठन के लिए मंथन भी किया गया। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के विधानसभा क्षेत्रों की पर्यवेक्षकों की बैठक चल रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में ब्लॉक स्तर पर नई कार्यकारिणियों के गठन को लेकर मंथन किया जाएगा। कुलदीप राठौर ने बताया कि प्रदेश में ब्लॉक कार्यकारिणी को नए सिरे से गठन किया जाना है, उसको लेकर पर्यवेक्षक के साथ बैठक चल रही है। पर्यवेक्षक स्थानीय प्रतिनिधियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श 14 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देंगे। उसी आधार पर ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। कुलदीप राठौर ने बताया कि प्रदेश में होने वाले 2 उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनावों की हार के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उपचुनावों में टिकट आलाकमान के मंथन के बाद ही तय किए जाएंगे। अभी मैंने पिछले दिनों पछाड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया और अभी 2 दिन पूर्व मैं धर्मशाला गया था, वहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो कार्यकर्ता उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि लोकसभा में जो हमारी हार रही उसके बाद मुझे लगता था कि कार्यकर्ताओं में हताशा होगी, ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आया। कार्यकर्ता पूरे जोश में और इन 2 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। जहां तक प्रत्याशियों की बात है, प्रत्याशियों का जो नाम है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श के बाद जो है घोषित किया जाएगा। तो अभी तो मैंने जाके वहाँ बैठके लिए और जो भी मेरी रिपोर्ट है वो मैं AICC को भेजूंगा और उसके बाद AICC जो है प्रत्याशियों पे निर्णय लेगी। तो पहले थे कैंडिडेट भी हो सकते हैं, अभी ये कहना इस बारे में तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज है उसमें जो परिवर्तन हमको करना है वो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। आज पूरे प्रदेश से हमने पर्यवेक्षक जो हमने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त किए हैं बुलाए, आज चर्चा होगी। उसके बाद हर चुनाव क्षेत्र में जो है एक एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी, जो वहां जाकर पार्टी के नेताओं से मिलके, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलके जो है हमको पूरी रिपोर्ट देगा और जो भी सक्षम व्यक्ति होगा उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। तो ये प्रक्रिया जो है आज से हमने शुरू कर दी। कितने टाइम तक चलेगी और कब तक ये हमने 14 अगस्त तक का समय दिया कि 14 अगस्त तक जो है सभी पर्यवेक्षक अपने अपने क्षेत्रों में जाके रिपोर्ट बना के जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भेजें और उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है 15 के बाद जो है नियुक्तियों का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए।